हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये बिहार बजट 2022-23 का डिस्कशन है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट वन है। देखिए, 28 फरवरी 2022 को बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तार किशोर प्रसाद ने बिहार विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 2,37,691 करोड़ रुपये का बजट पेश किए। कब, किसके द्वारा और कितना, तीन बातों को ध्यान में रखना है। यह बजट पिछले साल के बजट 2021-22 से 19,000 करोड़ रुपया ज़्यादा का बजट है। इस नए वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का विकास दर 9.7% रहने का अनुमान लगाया गया है। 2020-21 में मात्र यह 2.5% रही। बिहार इस वर्ष भी देश में सबसे ज़्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य रहा। पिछले कुछ वित्तीय वर्ष में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार के GSDP वृद्धि दर 9.7% का अनुमान है। भारत के GDP 2022-23 में 9.2% बढ़ने का अनुमान है। 2021-22 में यह अनुमान 9.8% का है। 2020-21 में 2.5% रहा, याद रखिएगा। देखिए, पिछले वित्तीय वर्ष से 9% बढ़ा बजट का आकार। बजट का आकार 2021-22 में 2.18 लाख करोड़, 2022-23 में 2.37 लाख करोड़। योजना मद में जो बजट का आकार है वह है आपका 1,518 करोड़। वहीं 2022-23 में जो बजट का आकार है वह 1,230 करोड़। गैर योजना मद में 2021-22 में जो आकार है वह 1,17,783 करोड़। वहीं 2022-23 में 1,37,460 करोड़। देखिए, कुल 2,37,691.19 रुपए का बजट, कुल व्यय होगी 2,37,691.19 करोड़ रुपया, जिसमें राजस्व व्यय 1,91,956.67 करोड़ रुपया, कुल व्यय का 80.76%। पूंजीगत व्यय 45,734.52 करोड़ रुपए, कुल व्यय का 19.24%। कुल प्राप्तियों का अनुमान 2,37,891.94 करोड़ रुपए, जिसमें राजस्व प्राप्तियां 1,96,704.51 करोड़ रुपए, पूंजीगत प्राप्तियां 41,187.43 करोड़ रुपए। राजस्व बचत यानी रेवेन्यू सरप्लस, राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय 1,96,704.51, 1,91,956.67 करोड़, 4,747.84 करोड़ रुपए, जो GSDP का 0.64% है। याद रखिएगा, 2005-06 से 2018-19 तक राज्य में कुल राजस्व बचत 75,043 करोड़ रुपए हुई। राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट बराबर कुल गैर ऋण व्यय माइनस कुल गैर ऋण आय 25,885.10 करोड़ रुपए, जो GSDP का 3.47% है। बजट के कुल व्यय में स्कीम व्यय का हिस्सा 1,230.25 करोड़ रुपए, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा 1,37,460.94 करोड़ रुपए, कुल 2,37,691.19 करोड़ रुपए। देखिए, रुपया कहाँ से आता है। रुपया सबसे ज़्यादा 46% केंद्रीय करों में राज्य के हिस्सों, यानी 46% जो है केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से से आता है, 30% केंद्र सरकार के सहायता अनुदान से आता है और 21% राज्य का अपना राजस्व से। और रुपया कहाँ जाता है, यानी सबसे ज़्यादा रुपया कहाँ खर्च किया जाता है, तो 41% सामाजिक सेवाओं पर, 28% सामान्य सेवाओं पर और 25% आर्थिक सेवाओं पर, यानी टॉप तीन मद याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिहार बजट 2022-23 में विकास के लिए 6 सूत्र तय किए गए। स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग एवं उद्योग में निवेश, कृषि एवं संबंध क्षेत्र, आधारभूत संरचना, कल्याण, याद रखिएगा 6 सूत्र जो तय किए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इन 6 सूत्र के आधार पर सरकार स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाना चाहती है, इसीलिए इन 6 सूत्र में शिक्षा और आधारभूत संरचना पर सबसे अधिक पैसा खर्च करना चाहती है। इस बजट के तहत राज्य में निजी निवेश एवं उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, स्टार्टअप नीति इत्यादि लागू किया है।
एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत 151 एथेनॉल उत्पादन उद्योग स्थापित की जा रही है। कितना? 151, याद रखिएगा। संपूर्ण बिहार बजट टू द पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का कृषि विकास दर कितना परसेंट रहा? 3.7% रहा। वर्ष 2021 के मई महीना में किस तूफान के कारण बिहार के 16 जिले के 102 प्रखंडों में 73,085 हेक्टेयर में फसल क्षति हुई? याद रखिएगा, यास तूफान। बिहार बजट के अनुसार पहली बार दलहन एवं तिलहन बीज का मिनी किट का वितरण किस वर्ष किया गया? बिहार बजट के अनुसार पहली बार दलहन एवं तिलहन बीज का मिनी किट का वितरण किस वर्ष किया गया? 2021 में। वर्ष 2021 में पहली बार बिहार से 1000 किलो शाही लीची और 500 किलो आम लंदन निर्यात किया गया। वर्ष 2021 में 750 किलो शाही लीची दुबई भी निर्यात किया गया, याद रखिएगा। बिहार के किस जिले में जैविक कॉरिडोर की स्थापना की गई? बिहार के किस जिले में जैविक कॉरिडोर की स्थापना की गई? गंगा नदी के दोनों किनारों के जिलों में। बिहार में किसानों को जैविक प्रशिक्षण के साथ साथ जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए 11,500 रुपये प्रति एकड़ की आर्थिक सहायता दी जाती है। कितना? 11,500, याद रखना है। बिहार बजट के अनुसार किस जिला में गोबर एवं फसल अवशेष देने वाले परिवार को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का एक मॉडल शुरू किया गया? याद रखिएगा, मधुबनी जिला, सुखेत मॉडल के तहत। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मधुबनी के सुखेत मॉडल की चर्चा की। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किस महाविद्यालय को स्वीकृति प्रदान की? बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किस महाविद्यालय को स्वीकृति प्रदान की गई? कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय आरा, कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय सबौर भागलपुर, कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय पटना। भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रम के तहत निश्चय पार्ट टू कार्यक्रम के अंतर्गत 30 फीट तक के 361 पक्का चेक डैम का निर्माण किया जाएगा। 30 फीट तक के 361 पक्का चेक डैम का निर्माण किया जाएगा, याद रखिएगा। राज्य के सभी 189,00,000 पशुओं की पहचान के लिए दिसंबर 2021 में ईयर टैगिंग किया गया। वित्त वर्ष 2021-22 में कितने दुग्ध सहकारी समितियों का गठन कॉम्फेड पटना के द्वारा किया जा रहा है? तो 1000। बिहार बजट 2021-22 में चर्चा में रहा पोषक सुधा क्या है? बिहार बजट 2021-22 में चर्चा में रहा पोषक सुधा क्या है? तो दुग्ध चूर्ण है। लॉकडाउन के समय आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को जो है पोषक सुधा होम डिलीवरी के रूप में उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2020-21 में बिहार में मत्स्य उत्पादन कुल 6.83 लाख मीट्रिक टन हो गया। मत्स्य के उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में चौथा है। बिहार में प्रति व्यक्ति मत्स्य की उपलब्धता 9.6 किलोग्राम है, याद रखिएगा। देसी गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गोवंश विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? याद रखिएगा, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में। बिहार राज्य के फसल सहायता योजना पोर्टल को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा ई गवर्नेंस के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया। किस जिले में कमला नदी पर बराज के निर्माण कार्य की जानकारी बिहार बजट 2021-22 में दी गई? जयनगर मधुबनी, याद रखिएगा। किस जिले में? तो जयनगर मधुबनी। गंगा उदय योजना एवं जल जीवन हरियाली अभियान के तहत राजगीर, गया, बोधगया एवं नवादा शहरों में गंगा के पानी को पाइपलाइन के सहारे पेयजल उपलब्ध करवाई जाएगी। इस पाइपलाइन की कुल लंबाई कितना है? 150.58 किलोमीटर है। किस नदी में पूरे वर्ष जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बजट में 266.50 करोड़ रुपए की रबर डैम बनवाने का जो है प्रावधान किया गया है? याद रखिएगा, गया के विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी में।
बिहार बजट के अनुसार किस योजना के तहत बिहार के सभी ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराई जाएगी? मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना 15वें वित्त आयोग के अनुशंसा के तहत। वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक बिहार राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए टाइड एवं अनटाइड के रूप में 19,561 करोड़ रुपए अनुदान की राशि अनुशंसित की। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए पंचायती राज विभाग को स्वास्थ्य प्रक्षेत्र यानी हेल्थ सेक्टर में कुल 4,802.88 करोड़ रुपए अनुशंसित की। बिहार में वर्तमान में याद रखिएगा छठा राज्य वित्त आयोग कार्यरत है, बिहार के पंचायत आम चुनाव 2021 में पहली बार बायोमेट्रिक्स प्रणाली की व्यवस्था की गई। मनरेगा के तहत 2021-22 के लिए बिहार में 20 करोड़ मानव दिवस के सृजन के लक्ष्य रखा गया था, जिसमें जनवरी 2022 तक 12.01 करोड़ मानव दिवस जो है सृजित हुआ। इसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा थी, 54.2% थी। केंद्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन के समानांतर बिहार राज्य में कौन सी योजना चल रही है? याद रखिएगा लोहिया स्वच्छता योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण के अंतर्गत राज्य के 210 प्रखंड में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधोसंरचना इकाई की स्थापना का लक्ष्य है। जीविका के द्वारा अब तक कुल कितने स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है? तो याद रखिएगा 10.31 लाख। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कॉम्फेड के साथ समन्वय कर जीविका दीदियों ने डेयरी को ऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में गैर कृषि गतिविधि के 1.5 लाख परिवारों को इससे लाभान्वित करने का लक्ष्य है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार जीविका दीदियों द्वारा दीदी की रसोई का संचालन किस विभाग के सहयोग से कराया जा रहा है? तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कुल 51 दीदी की रसोई खोला गया, यानी 51 दीदी की रसोई खोला गया एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में 9 और दीदी की रसोई खोलने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार बजट के अनुसार ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो जीविका के द्वारा। याद रखिएगा वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना के तहत कुल 12,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। बिहार बजट के अनुसार बिहार के कुल कितने प्रखंडों में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र का निर्माण किया जा रहा है? तो 101। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन टॉप 10 रैंकिंग में बिहार के कितने शहर हैं? तो 5। कौन कौन? पटना है, हाजीपुर है, छपरा, मुंगेर और बेगूसराय। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस शहर को GFC कैटेगरी में 1 स्टार रैंकिंग प्राप्त हुआ है? वो है आपका सुपौल। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कितने नगर निकायों को ODF प्लस घोषित किया जा चुका है? तो 24। 118 नगर निकाय ODF प्लस की ओर अग्रसर हैं। देखिए इन 118 नगर निकायों में कचरे से कंपोस्ट तैयार किया जा रहा है। इस योजना के तहत बिहार के सभी जिला मुख्यालय में 100 दाह गृह का निर्माण कराया जा रहा है। तो याद रखिए किस योजना के तहत बिहार के सभी जिला मुख्यालय में 100 दाह गृह का निर्माण कराया जा रहा है? मोक्ष धाम योजना। इसके तहत बिहार के सभी 142 नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन का निर्माण करवाया जाएगा। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत योजना बिहार के किस नगर निगम में कार्यान्वित की जाएगी? 1 लाख से अधिक आबादी वाले 12 नगर निगम में। अमृत अर्बन 2.0 का शुभारंभ 1 अक्टूबर 2021 को किया गया। इसके अंतर्गत सभी नगर निकायों में जलापूर्ति पार्क योजना बनेंगे। ठीक है, याद रखिएगा स्मार्ट सिटी मिशन में बिहार के कितने शहर शामिल किए गए हैं जिन पर लगातार कार्य जारी है? 4। कौन कौन? भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, पटना और बिहार शरीफ। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कितना हो गया? कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 15%।
जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत 2021-22 में कुल कितना करोड़ पौधों के रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 5 करोड़। जनवरी 2022 तक कुल 387 लाख पौधों का रोपण किया जा चुका है। ठीक है, बिहार बजट के अनुसार मुख्यमंत्री निजी पौधाशाला योजना अंतर्गत एवं कुल कितना पौधाशाला जो पौधाशाला है इकाइयां स्थापित की जाएगी? 365। याद रखिएगा, बिहार बजट के अनुसार मुख्यमंत्री निजी पौधाशाला योजना अंतर्गत एवं कुल कितना पौधाशाला इकाइयां स्थापित की जाएगी? 365। 210 इकाइयां जीविका दीदी और 155 इकाइयां कृषकों को आवंटित है। इस योजना के तहत कुल 73 लाख पौधे उगाए जाएंगे। बिहार में प्रवासी पक्षियों के लिए प्रथम बर्ड रिंगिंग एंड मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में पहली बार पंछी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में पहली बार पंछी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? भागलपुर जिले में। बिहार में प्रथम राजकीय पंछी महोत्सव कलरव का आयोजन 15 से 17 जनवरी 2022 को कहां किया गया? जमुई जिले के नागी नकटी पंछी अभ्यारण में। याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार 400 एकड़ के जू सफारी का निर्माण राजगीर के किस पहाड़ी के घाटी क्षेत्र में किया गया है? तो स्वर्णगिरी तथा वैभवगिरी पहाड़ियों के घाटी क्षेत्र में। जू सफारी के 500 हेक्टेयर वन क्षेत्र में नेचर सफारी की भी स्थापना की गई है। नेचर सफारी में कितने मीटर के ग्लास सस्पेंशन बीज लगाया गया है? नेचर सफारी में कितने मीटर के ग्लास सस्पेंशन बीज लगाया गया है? तो 40 मीटर। ठीक है, वर्ष 2020 में बिहार का पहला और देश का 38वां रामसर साइट कौन घोषित किया गया? तो याद रखिएगा, कांवर ताल बेगूसराय। बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में दो नई योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को कब से लागू की गई? बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में दो नई योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को कब से लागू की गई? 18 जून 2021 से। ठीक है, याद रखिएगा, अस्थाई और वैकल्पिक ईंधन को प्रोत्साहित करना तथा जीवाश्म ईंधन तेल के आयात को कम करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 कब से लागू किया? 17 मार्च 2021। अस्थाई और वैकल्पिक ईंधन को प्रोत्साहित करने तथा जीवाश्म ईंधन तेल के आयात को कम करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 कब से लागू किया? तो 17 मार्च 2021। बिहार के किस जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना किया जाएगा? गया जिले में। ठीक है, गया जिले में डोभी अंचल में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 बिहार के तरफ से बिहार उद्योग विभाग भागीदारी की। उद्योग विभाग बिहार को इस मेले में स्वर्ण पदक से नवाजा गया। देखिए, याद रखिएगा, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 बिहार के तरफ से बिहार उद्योग विभाग भागीदारी की इस मेले में। उद्योग विभाग को बिहार को जो है इस मेले में स्वर्ण पदक से नवाजा गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। बिहार बजट 2022-23 पार्ट टू है, तो चलिए इसको भी कवर करते हैं। बिहार बजट के अनुसार खादी मॉल पटना की तर्ज पर गया, मुजफ्फरपुर एवं राज्य के अन्य शहरों में भी खादी मॉल का निर्माण किया जाएगा। बीटेक एमटेक कोर्स प्रारंभ करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी की स्थापना कहां की जाएगी? बिहटा पटना में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सहयोग से मुख्यालय इसका चेन्नई है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत बिहार के गर्भवती या धातु महिलाओं को कितनी राशि भुगतान की जाती है? 5,000 रुपया 3 किस्तों में। परवरिश योजना के तहत 0 से 18 वर्ष के बच्चों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? 1,000 रुपया प्रतिमाह, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री एससी एसटी छात्रावास अनुदान योजना के तहत कितना रुपया प्रति माह के दर से एससी एसटी छात्र छात्राओं को छात्रावास अनुदान का लाभ दिया जाएगा? 1,000 रुपया प्रति माह। मद निषेध लागू होने के बाद वैसे लोग जो शराब व्यवसाय के जीवन यापन कर रहे थे उनके लिए सरकार ने कौन सी योजना लागू की? सतत जीविकोपार्जन योजना।
इस योजना के अंतर्गत रोजगार के लिए 60,000 रुपया से 1,00,000 रुपये तक की आर्थिक मदद दी जा रही है। राज्य के नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा राज्य में 1 अप्रैल 2016 से देसी शराब और 5 अप्रैल 2016 से विदेशी शराब पर प्रतिबंध लगाकर संपूर्ण राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू किया गया है। यदि कोई तिपहिया वाहन टैक्सी महिला के नाम पर निबंधित होना है और उसका चलान स्वयं उस महिला या अन्य महिला के द्वारा किया जाता है तो उसके लिए वाहन कर में कितने प्रतिशत छूट दी गई है, तो 100%। ई रिक्शा या ई कार्ड के परिचालन को बढ़ावा देने के लिए बैटरी चालित यान या इलेक्ट्रिक वाहन को किसी भी व्यक्ति के लिए कुल कर में कितने परसेंट छूट दी जा रही है, तो 50%। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वैसे प्रखंड जहां वाहन प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित नहीं है, उन प्रखंडों के लिए वाहन प्रदूषण जांच केंद्र प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रदूषण जांच केंद्र के उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण के क्रय मूल्य का 50% राशि अथवा अधिकतम 3,00,000 रुपये प्रोत्साहन राशि अनुदान के रूप में आवेदक को दिए जाने का प्रावधान किया गया है। बजट 2022-23 के तहत राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों को 5,00,000 रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये तत्काल अंतरिम मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। बिहार स्वच्छ ईंधन योजना 2019 के अंतर्गत पटना नगर निगम क्षेत्र तथा दानापुर, खगौल एवं फुलवारी शरीफ नगर परिषद क्षेत्र की सीमा में डीजल चालित तिपहिया वाहनों के परिचालन को कब से प्रतिबंधित करने का निर्णय बजट 2022-23 के तहत लिया गया है, तो याद रखिएगा 31 मार्च 2022 तक। बिहार बजट के अनुसार समग्र शिक्षा के अंतर्गत अब पूर्व बालपन शिक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की शिक्षा को आच्छादित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 के कारण विद्यालय बंद होने की स्थिति में 1 से 12 क्लास के विद्यार्थियों के लिए दूरदर्शन बिहार मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय पर डिजिटल पढ़ाई की व्यवस्था की गई। उन्नयन बिहार कार्यक्रम, इसके माध्यम से उन्नयन बिहार कार्यक्रम क्या है, तो इसके माध्यम से राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम निर्माण करवाया गया। उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए नए बने आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के परिसर में कुल कितने शैक्षणिक संस्थान अब होंगे, तो 6 यानी 6। पूर्व से स्थापित 3 शैक्षणिक संस्थान सेंटर फॉर ज्योग्राफिकल स्टडीज, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और पाटलिपुत्र स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, 3 नए शैक्षणिक संस्थान बनेंगे। कौन कौन? सेंटर फॉर स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी, सेंटर ऑफ फिलोसफी। आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार द्वारा पूर्व से स्थापित 13 सरकारी विश्वविद्यालय के अलावा 7 निजी विश्वविद्यालय की स्थापना करवा रही है। विद्यालयों में जल, स्वच्छता एवं साफ सफाई के वातावरण निर्माण के लिए बिहार सरकार ने कौन सा पुरस्कार प्रारंभ किया है, तो बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। राज्य में द्वितीय एम्स की स्थापना दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल लहरिया सराय के परिसर में किया जा रहा है। पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में कुल 5,462 बेड के निर्माण के साथ ही विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल होगा, याद रखिएगा। देखिए, 100 बेड का स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई, 100 बेड का स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत कितने नए जानलेवा बीमारियों के टीके की निःशुल्क सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं एवं सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में दिए जाते हैं, तो 12 बीमारियों के टीके। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथों का निर्माण किया गया, 191.65 किलोमीटर। बिहार बजट के अनुसार पटना को जाम से मुक्त कराने के लिए कहां डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण की स्वीकृति दी गई, तो कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज तक, याद रखिएगा। बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1 के अंतर्गत 181.288 किलोमीटर एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2 के अंतर्गत 740.0
1.18 किलोमीटर अर्थात कुल 921.306 किलोमीटर पथ निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार 2030 तक सतत विकास लक्ष्य के निर्धारित 17 लक्ष्यों में कितने लक्ष्यों को बिहार 2020-22 में ही प्राप्त कर लिया, तो 9 लक्ष्यों को, 8 लक्ष्य अभी बाकी है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार संकल्प योजना के अंतर्गत बिहार राज्य प्रवासी मजदूरों के लिए माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है। बिहार के अंदर 10 और बिहार के बाहर 10 MCRC यानी माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिसे प्रवासी मजदूरों को काफी लाभ मिलेगा। देखिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के सभी नियोजनालयों उत्प्रवासी संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करेगी। वर्तमान में 4 जिला नियोजनालयों सिवान, गोपालगंज, मधुबनी एवं पश्चिमी चंपारण में प्रस्थान पूर्व उन्मुखीकरण प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है। चौसा बक्सर में देखिए 2×660 मेगावाट यानी 660 मेगावाट की 2 यानी 1320 मेगावाट ग्रीनफील्ड ताप विद्युत प्रतिष्ठान का निर्माण किसके सहयोग से किया जा रहा है, तो सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम है। इन दोनों इकाइयों यानी 660 मेगावाट की 2 इकाइयों से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का लक्ष्य 2023-24 तक रखा गया है। देखिए इस परियोजना से बिहार को 35% जो है बिजली प्राप्त होगी। वर्तमान में राज्य में कार्यरत ग्रिड की कुल लंबाई 17,120 सर्किट किलोमीटर हो गई है, जिसकी कुल विद्युत निकासी क्षमता कितना मेगावाट है, तो 13,000 मेगावाट। बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मोड में लाने वाला बिहार भारत का कौन सा राज्य बना, तो पहला। अब तक लगभग 4,33,000 से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर देश में बिहार पहला स्थान प्राप्त कर चुका है। राज्य सरकार ने कजरा एवं पीरपैंती में सौर ऊर्जा परियोजना लगाने का निर्णय जो है बजट 2022-23 में लिया है, और इन दोनों स्थलों पर 250 मेगावाट यानी प्रत्येक की परियोजना लगाई जाएगी। 200-250 मेगावाट की परियोजना जो है लगाई जाएगी, ध्यान रखिएगा। बिहार के सरकारी भवनों पर किस मॉडल के तहत रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है, तो कैपेक्स मॉडल। नीचे मछली ऊपर बिजली योजना, देखिए इसके तहत दरभंगा जिले में 1.6 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। सुपौल जिला में 525 किलोवाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में कुल कितना जल विद्युत परियोजनाएं उत्पादनरत हैं, तो 13। इसकी कुल क्षमता 54 मेगावाट है, याद रखिएगा। किस योजना या मिशन के तहत बिहार के सभी जिलों में एक अभियंता महाविद्यालय एवं एक पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित किया गया है, तो अवसर बढ़े आगे बढ़े। किस योजना या मिशन के तहत अवसर बढ़े आगे बढ़े। राज्य में तकनीकी शिक्षा के उन्नयन एवं विकास के लिए किस अधिनियम के तहत बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय का गठन किया गया, बिहार अभियंता विश्वविद्यालय अधिनियम 2021। बिहार सरकार ने COVID-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए डेडिकेटेड अस्पताल कोविड केयर सेंटर एवं डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर की व्यवस्था की। राज्य सरकार के द्वारा COVID-19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को कितनी अनुग्रह अनुदान करने का जो है निर्णय लिया गया था, तो 4,00,000 रुपये प्रति मृतक, ठीक है। देखिए अब इसे बढ़ाकर 4,50,000 प्रति मृतक कर दिया गया है। बजट 2022-23 के अनुसार बाढ़ 2021 से निपटने के लिए बाढ़ प्रभावित परिवारों को कितने राशि सीधे उनके खाते में PFMS के माध्यम से भेजी गई, तो 6,000 रुपये प्रति परिवार। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिहार के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या को आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित है, तो ग्रामीण के 85.12% एवं शहरी के 74.53%। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू करने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य है। इसे बिहार में 1 फरवरी 2014 को लागू किया गया, ठीक है।
बिहार में अंत्योदय परिवारों को कितना किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है? तो याद रखिएगा 35 किलोग्राम प्रति परिवार, जिसमें 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत जुलाई 2021 से प्रत्येक लाभुक राशन कार्डधारी परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रति माह कितना खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है? 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल। वित्तीय वर्ष 2021-22 में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा मंदार रोपवे का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो बांका जिला बिहार में। ठीक है, बिहार बजट 2022-23 में 6 अन्य रोपवे परियोजना की स्वीकृति दी गई है। याद रखिएगा प्रेतशिला पर्वत गया, डुंगेश्वरी पर्वत गया, ब्रह्मयोगी पर्वत गया, वणावर पर्वत जहानाबाद, मुंडेश्वरी पर्वत कैमूर, रोहतासगढ़ पर्वत रोहतास। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार गया जिले के डुंगेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध एवं फल्गु नदी में भगवान विष्णु की विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठापन कराया जाएगा। बिहार के किस जिले में 72 एकड़ भूमि पर लैंड बैंक निर्मित किया जाएगा? तो गया में। उद्देश्य बोध गया के समृद्ध विकास के लिए जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम का आयोजन पटना में कब किया जाता है? प्रत्येक माह के प्रथम, द्वितीय और तृतीय सोमवार को। बिहार बजट 2022-23 में वर्णित समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को कब से लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2019। देखिए CFMS वित्तीय प्रबंधन के लिए राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना के माध्यम से राज्य का संपूर्ण वित्तीय कार्य ऑनलाइन एवं पेपरलेस हो गया है। CFMS 2.0 को वित्तीय वर्ष 2022-23 में चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना है। ठीक है, बिहार बजट 2022-23 के तहत महत्वपूर्ण घोषणाएं। आईटी रोड मैप के तहत बिहार में बनेंगे पटना के बंदर बगीचा और डाक बंगला चौराहे पर आईटी टावर, बिहार में आईटी पार्क, राजगीर में आईटी सिटी। ध्यान रखिएगा बिहार के सभी जिले में बनेंगे मेगा स्किन सेंटर, वृद्धा आश्रम जिला मुख्यालय में, सौदागिरी जिला मुख्यालय में मॉडल प्लस टू हाई स्कूल, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जिला मुख्यालय में, सभी नगर निकाय में बनेंगे जलापूर्ति या पार्क योजना, सम्राट अशोक भवन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसके बाद बिहार बजट पार्ट थर्ड 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 बजट 2022-23 में जो नए प्रावधान है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बिहार के सतत विकास के लिए 2015 में राज्य सरकार के द्वारा विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय योजना प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत 5 वर्षों के लिए विकास के 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिसमें से 2 लक्ष्य प्राप्त किए जा चुके हैं, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार एवं हर घर बिजली। बाकी 5 लक्ष्य अभी कार्यरत हैं, उसके लिए बजट 2022-23 में निम्न प्रावधान किए गए हैं। पहला जो है आर्थिक हल युवाओं को बल, इसके तहत 3 योजना कार्यरत है। पहला है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना के लिए बजट 2022-23 के तहत 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दूसरा है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। बजट 2022-23 में इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तीसरा है कुशल युवा कार्यक्रम। बजट 2022-23 में इस योजना के लिए 225 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके बाद सेकंड है हर घर नल का जल। बजट 2022-23 में इस निश्चय के अंतर्गत 1,001.10 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। थर्ड पॉइंट है घर तक पक्की गली नालियां। इस निश्चय के तहत 230 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किए गए हैं। चौथा है शौचालय निर्माण घर का सम्मान। इस निश्चय के अंतर्गत सभी 8,386 पंचायत, सभी 534 प्रखंड एवं 101 अनुमंडल तथा सभी 38 जिले ODF घोषित किए गए हैं। सभी 3,367 शहरी वार्ड एवं 142 नगर निकाय ODF घोषित किए गए हैं। पांचवा है अवसर बढ़े आगे बढ़े। इस निश्चय के तहत 54 अनुमंडलों में एनम संस्थान खोला जाएगा, 41 अनुमंडलों में खोला जा चुका है। ध्यान रखिएगा देखिए 23 जिलों में GNM संस्थान स्थापित होगा, 12 स्थापित हो चुके हैं। 28 जिलों में पारा मेडिकल संस्थान जो है खोले जाने का लक्ष्य है, जिसमें 20 खुल चुके हैं। 5 जिलों में फार्मेसी कॉलेज स्थापित होगी, 4 स्थापित हो चुका है। राज्य के बहुमुखी एवं सतत विकास के लिए सरकार 7 निश्चय 1
2015-2020 के लिए चलाई थी, फिर सरकार के द्वारा 2020 से 2025 के लिए सात निश्चय सेकंड योजना जो है प्रारंभ की गई है। सात निश्चय सेकंड पर 5,000 करोड़ रुपए आवंटन। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। निश्चय वन जो है, निश्चय वन युवा शक्ति बिहार की प्रगति। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। इसके लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना को नॉलेज पार्टनर सहित कार्यान्वयन एजेंसी मनोनीत किया गया है। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे। प्रथम चरण में पटना, नालंदा एवं दरभंगा जिलों में खोला जाएगा। बिहार के सभी तकनीकी संस्थानों में हिंदी भाषा में तकनीकी शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। हर प्रमंडल में टूल रूम बनेंगे। बिहार चिकित्सा विश्वविद्यालय, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय और बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1,153 करोड़ का आवंटन किया गया। निश्चय सेकंड, सशक्त महिला, सक्षम महिला। इंटर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपया तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर महिलाओं को 50,000 रुपया आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसके लिए 900 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। निश्चय थर्ड, हर खेत तक सिंचाई का पानी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 600 करोड़ रुपए का जो है बजटीय प्रावधान किया गया है। निश्चय चार, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्र में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा पेयजल उपयोग शुल्क नीति 2021 अधिसूचित किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 847 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। निश्चय जो फाइव है, स्वच्छ शहर, विकसित शहर। मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया, राजगीर को ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन के रूप में मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है। सभी जिला मुख्यालयों में वृद्धा आश्रम के लिए आश्रय स्थल की स्थापना की जाएगी। देखिए, शहरी बेघर, जो शहरी बेघर होते हैं या भूमिहीन गरीब लोगों के लिए बहुमंजिला आवास उपलब्ध करवाया जाएगा। मोक्ष धाम योजना के तहत सभी जिला के मुख्यालय में 100 दाह गृह का निर्माण किया जाएगा। सभी शहरों में जल जमाव की समस्या के समाधान के लिए जो है स्टार्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का विकास किया जाएगा। इस निश्चय के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 550 करोड़ रुपए बजटीय प्रावधान किया गया है। निश्चय सिक्स, सुलभ संपर्कता। इस निश्चय को वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 450 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। निश्चय सेवन, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। देशी गोवंश के संरक्षण तथा संवर्धन कार्य के लिए बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा बायोसेफ्टी लेवल प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। 14 दिसंबर 2021 को राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान पटना के परिसर में टेलीमेडिसिन स्टूडियो ई संजीवनी का शुभारंभ किया गया। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं पांच स्वास्थ्य उप केंद्र या हेल्थ वर्कर वेलनेस सेंटर के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इस निश्चय को वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। बजट जो बिहार बजट है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसमें कवर किया गया है। अगर फिर भी कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है। आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।